बंगाल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। वैसे तो आप सभी को पता है कि दुनिया में पानीपुरी के चाहने वाले वैसे ही बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हम बात करेंगे हमारे नागपुर की, जहाँ पे गांधी भाग में हर्ष नाम से पानी पूरी वाले हैं, जहाँ पे उनके पास 25 तरीके के पानी पूरी मिलते हैं। चलिए बात करते हैं हर्ष पानी पूरी वाले से। उनका इस कोरोना टाइम में जो मिनी लॉकडाउन लगा है, कल जो लगने वाला है सैटरडे संडे, जो प्रशासन ने बोला है कि बंद रखना है करके, तो उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। कितने तरीके के पानी पूरी आप बेचते हैं? हमारे मैडम पहले तो 6 फ्लेवर थे, 7 फ्लेवर थे, और आज मेरे पास 26 फ्लेवर है, जिसमें कि हमारा स्पेशल फ्लेवर है बाजीराव मस्तानी। एक बार खाइए, 4 को लेके आइए, उसके बाद में आता है कश्मीरी फ्लेवर, और दही बल्ला भी हमारा अपडेट फ्लेवर है। उसमें क्या खास बात क्या है बाजीराव मस्तानी के फ्लेवर? बाजीराव मस्तानी का इसलिए क्योंकि बाजीराव मैं वो मस्तानी ही है, और सबका कॉम्बिनेशन मिला के हमने बनाया बाजीराव मस्तानी फ्लेवर। रानी में रानी महारानी और हमारी हर्ष पानीपुरी स्टॉल की स्पेशल है बाजीराव मस्तानी। कोरोना के बाद अभी भी आपके पास आते हैं क्या? बहुत आते। अभी कल लॉकडाउन लगने वाला है, तो अभी क्या प्रतिक्रिया क्या है आपकी? लॉकडाउन लगेगा तो हम भी बंद रखने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मार्केट बंद रहेगा तो हम भी उसको प्रतिसाद देंगे। आपका ये पानीपुरी का ठेला कितने सालों से चल रहा है? 8 साल हो गए, जब मेरा लड़का 6 महीने का था, अभी मेरा लड़का भी 8 साल का हुआ, मेरी दुकान को 7 साल पूरे कम्प्लीट हो गए। जब मेरा लड़का 6 महीने का था तभी से मैंने ये फ्लेवर का स्टार्ट किया हूँ। पहले मेरा सिर्फ नॉर्मल पानीपुरी, सिर्फ आलू की पानीपुरी थी। जैसे जैसे मूवमेंट चेंज होती गई, प्रतिसाद देते गए, वैसे वैसे हमारा ये टेस्ट बढ़ते गया। बिंदास तो बात नहीं है, हम भी वैसे मूवमेंट करते हैं, जैसे हैंड ग्लव्स तो मुझे पहने नहीं बोलना। अभी आपने हैंड ग्लव्स नहीं पहना है, सैनिटाइजर भी वहाँ पे रखा हूँ मैंने, क्योंकि देखो उतना ये कर नहीं सकते अपन। नॉर्मली खाने वाले खाते हैं, आपका ये कहना है? ये आपका क्लासिकल फ्लेवर, क्लासिकल मजा। तो देखा आपने किस तरीके से बिना मास्क लगाए यहाँ पे लोग इनकी फेमस पानी पूरी खाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। कोरोना टाइम के बाद यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़, फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? कल मैं फर्स्ट टाइम था, आज फिर से आया हूँ खाने के लिए। कल आपको मिला नहीं? वाड़ी से इतने दूर आया हूँ सिर्फ इनके पानी पूरी खाने के लिए। उनका मैडम ऑल फ्लेवर बढ़िया है, कंटिन्यूटी में अभी वो 7 फ्लेवर चला रहे हैं और 7 ही अच्छे हैं। मैं अभी लास्ट जो सेकंड टाइम है मेरा, कल भी आया था मैं सेम टाइम पे, आज भी वही टाइम पे आया हूँ। आपने किससे सुना ये कि इतना फेमस ये है? फेसबुक से। जैसे कि अभी सतीश सर से हमने जाना है कि उन्होंने फेसबुक पे देखा है कि हर्ष पानी पूरी वाले जो है वो इतने फेमस है कि वो कल से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल उनको मिला नहीं, तो वो आज फिर से रिटर्न आए हैं इनकी फेमस पानी पूरी खाने के लिए। जबकि इतना कोरोना काल होने के बाद भी कल सैटरडे संडे जो लॉकडाउन प्रशासन ने बोला है, तो भी बिना किसी डर के पानी पूरी का जो मजा है अभी भी लिए जा रहे हैं। अभी हम आए हैं गांधी बाग में, चलिए आइए दिखाते हैं कि नागपुर में जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगा है उसकी प्रतिक्रिया क्या है, और गांधी बाग में अभी क्या हलचल हो रही है हम आपको दिखाते हैं हमारे तत्काल न्यूज लाइव में, आइए।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ दुकानें खाली हैं और कुछ दुकानें में ग्राहक आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले से ज़्यादा अभी लॉकडाउन के बाद जो हलचल है वो काफ़ी धीमी हो गई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के दुकान वालों से कि पहले से और अभी में क्या फ़र्क दिख रहा है, यहाँ पे कितने ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनके पास। अब बता पाएंगे पहले जितनी अभी लोग नहीं दिख रहे यहाँ पे? काफ़ी मार्केट में फ़र्क पड़ गया है, जितना लॉकडाउन में नुकसान हुआ है। अभी सैटरडे से फिर से संडे तक ये 2 दिन लॉकडाउन होता है, तो पहले ऐसी चहल पहल नहीं रही है, अब मार्केट के अंदर वो बात नहीं रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। ये 5-6 दिन जो भी आपका चलता है दुकान, चलता है क्या? उतना कस्टमर नहीं होता है जितना चाहिए उस हिसाब से। तब पहले जितने ग्राहक अभी नहीं है बोलते, 5 दिन जो प्रशासन ने दिए हुए हैं उसमें भी उनका जो माल है वो नहीं बिक पाता है। अभी हम थे गांधी बाग मार्केट में, जहाँ पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाने, लेकिन पहले जैसा जो लॉकडाउन के पहले जो भीड़ रहती थी वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब इसका कोरोना का जो ज़्यादा असर है वो आम नागरिकों पे पड़ा है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।